फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एनी अजमा वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज है जो डेट है वो है 19 नवंबर, और दिवाली के बाद से मैं आज ब्लॉग शूट कर रही हूँ, आज वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि दिवाली का वीडियो ही मेरा कल अपलोड हो पाया है। 18th को मेरा वीडियो अपलोड हुआ है काफ़ी दिन बाद। तो बस सोचा चलिए आज आप लोगों से थोड़ी सी बात कर ली जाए, थोड़ा आप लोगों के साथ कुछ शेयर किया जाए। तो फिलहाल तो कुछ ऐसा मतलब नहीं है जो मेरे अच्छा, ये होता है। देखो, मैं जब भी व्लॉग शूट करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, तो इसको पता चल जाता है। तो ये अपने सारे काम छोड़ के खेल रही होती है या कुछ भी कर रही होती है, सीधा मेरे पास आ जाती है कि आप क्या कर रहे हो। तो बस मैंने सोचा भाई काफी दिन हो गए वीडियो नहीं जा पा रहा है मेरा कोई भी, तो बस इसीलिए आज जो है ब्लॉग शूट करने लगी। और अभी मुझे मतलब अभी शाम का टाइम हो रखा है, तो बस नाश्ता वास्ता और फिर खाने की तैयारी करनी, क्योंकि पापा को भी आना है 7 बजे, और फिर खाना खा के वापस से थोड़ा जाना भी होगा। तो बस जा रही हूँ किचन में। अब आप चुप रहो, मम्मा बोलेगी, ठीक है ना? ठीक है, अभी मेरी बारी है, फिर आपकी बारी आएगी। ओके, हाँ, अब आप अपना फिंगर रखो मुँह पे, बोलना नहीं बिल्कुल भी। अब मम्मा बोलेगी, फिर आप बोलना। ओके, तो देखा यही होता है, मैं मतलब जब भी बनाने जाऊँ तो बस बीच में आना ही होता है, इसको बीच में डिस्टर्ब करने आना ही है। अभी किचन में मैं गई थी, तो मैं जो नाश्ता वास्ता का वीडियो, एक्चुअली मैंने पहले वीडियो बनाया है, फिर मैं आप लोगों से बात करने बैठी, क्योंकि चाय वाय बनानी थी और नाश्ता वास्ता किया हम लोगों ने। अब जा रही हूँ खाना बनाने किचन में। तो यही होते हैं इसके काम, इतने दिन बाद तो वीडियो बन पाता है, और उसमें भी ये बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है मुझे। लेकिन बोलते हैं ना, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, करना चाहिए कुछ ना कुछ। तो बस इसीलिए मैं कभी कई बार सोचती हूँ मैं कि यार रहने दो, स्माइली की वजह से नहीं हो पाता, नहीं इतने दिन बाद वीडियो अपलोड हो पाती है, रहने दो, मत नहीं करूँगी। बट लेकिन मैं गिव अप नहीं करूँगी। मैंने सोच लिया है कि जो करना है तो फिर करना ही है। तो बस इसीलिए मैं जो है वीडियो अपनी बनाती जा रही हूँ। फिलहाल वो अभी कुछ दिन का गैप हो गया था, बट अब कोशिश यही करूँगी कि मेरा गैप नहीं हो और मैं रेगुलर अपनी वीडियोस जो है डालती रहूँ, आती रहे आप लोगों के पास। तो फ्रेंड्स, चलिए अब मैं जा रही हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। चलिए, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में, और यहाँ पे बन रही है शाम की चाय, क्योंकि मैं चाय नहीं पीती हूँ, तो मैं सिर्फ एक कप ही बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए, और पापा तो थे ही नहीं घर पे। तो बस यहाँ पे मैंने ना चाय में चाय पत्ती डाल दी थी, बट चीनी में, चीनी के डब्बे में मतलब चीनी नहीं थी, तो बस ये मैंने बड़ा डब्बा उठाया है, और सबसे पहले मैं चाय में चीनी डाल देती हूँ, उसके बाद डब्बे में भरूँगी, क्योंकि हम बड़ा बड़े डब्बे में रख लेते हैं भर के, और फिर छोटे डब्बे में जब ख़त्म हो जाती है तो उसमें डालते रहते हैं। तो बस वही मैं चीनी डाल रही थी, इसमें चाय पत्ती काफ़ी देर से डाल दी थी। तो बस अभी रख देती हूँ सामान, क्योंकि अभी फिर उसके बाद ये बर्तन भी सुबह जो धो के रखे थे ना, मतलब दोपहर के खाने के, तो उनका भी पानी जो है छट गया, फिर पोछ के सारे बर्तन भी यहाँ पर लगाए मैंने। और ये सब्जियाँ भी दिख रही होंगी आपको साइड में रखी हुई, एक्चुअली सुबह सब्जी आई थी ना, तो बस वो भी धो के रख दी थी, अभी शाम को फ्रिज में लगाना है, सब्जियां भी रखनी है, खाना भी बनाना है, तो खाना बन जाएगा उसके बाद ही सब्जियां रखूंगी, क्योंकि खाना भी जल्दी बनाना है, पापा को आना है। बस ये स्माइली के लिए भी थोड़ा तैयार कर दूँ भाई नाश्ता, क्योंकि वो दूध कॉर्नफ्लेक्स खाएगी, तो बस ये कॉर्नफ्लेक्स निकाल देती हूँ मैं उसको दूध कटोरी में निकाल के। और यहाँ पर चाय भी देखिए बनने वाली है। बाद यहाँ पे मैंने निकाल लिया है, एक्चुअली ये टंकी में मैंने ना नाश्ता रख रखा था, ये जो अभी दिवाली पे बनाया था, गुजिया वगैरह, नमकीन और नमक वारे वगैरह, तो वो सारी चीज़ें जो है एक ही जगह मैंने रख दी थी, क्योंकि बार बार अलग अलग डब्बे में रखो फिर निकालने में दिक्कत होती है, इसलिए मैंने एक जगह रख दिया है सारा सामान।
तो बस वही निकाल लिया है नाश्ते के लिए, अभी खाने के लिए। मैं भी खाऊंगी, ये भी खाएंगे, और फिलहाल चाय तो मैं पीती नहीं हूँ। तो बस ये जो बर्तन है वही मैं रख रही हूँ, कप वगैरह सारे, कढ़ाई वढ़ाई सब पोछ पाछ के सारे बर्तन रख रही हूँ यहाँ पे। बस ले लिया है चाय और नाश्ता, तो बस आ जाइए आप सब भी जल्दी से नाश्ता करने के लिए। तो बस फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग बैठ चुके थे नाश्ता करने के लिए। मैं नमकीन वगैरह मैंने ले ली थी, क्योंकि मैं वो नहीं खाती हूँ, चाय मतलब चाय वाय नहीं पीती हूँ, मैं कम पीती हूँ, बाई चांस कभी चाय पीती हूँ। और ये स्माइली जो है बैठे बैठे, बस इसको ना कैमरे के सामने आने का बहुत वो है, बस मैं मतलब वीडियो बन रही होती है तो और ज़्यादा जानबूझ के आती है। अभी देखना, मैं इसी के लिए मतलब मैंने दिखाया आप लोगों को कि कैसी मस्ती करती है। अब वीडियो थोड़ा सा स्पीड में है इसलिए और ज़्यादा फनी लग रहा है इसका जो भी ये कर रही है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा देर इसका रखा है। आप लोग देखिए क्या क्या करती है ये। तो देखा फ्रेंड्स, आप लोगों ने स्माइली की मस्ती देखी है किस तरीके से एक्सप्रेशन और स्माइली की मस्ती, इसीलिए मैंने उसका वीडियो थोड़ा सा डाला है इसमें कि आप लोग भी देखें वो कैसे करती, जानबूझ के करती है वो कैमरे के सामने। और बस ये देखिए, मैं किचन में आ गई हूँ, किचन में बनाने वाली हूँ रात का खाना, क्योंकि पापा को आने वाले हैं 7 साढ़े 7 तक पापा आ जाएंगे, उससे पहले मुझे खाना बनाना है। तो यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी, और ये मूली के पत्ते रखे हैं, ये धुल के रख दिए थे मैंने, तो ये मूली के पत्ते जो हैं वो भी बहुत अच्छी लगती है, मूली के पत्तों की जो भुर्जी बनाते हैं। तो बस ये लौकी मैंने काट लिया है और बस अब इसको छौंकने जा रही हूँ मैं। और मूली के पत्ते एक्चुअली फ्रेश मूली थी सुबह की, और मैं इसका कल तक का वेट करूँगी तो ये वैसे ही मुरझा जाएंगे, मतलब अलग हो जाते हैं मूली के पत्ते, इसलिए अभी फ्रेश है तो इसको अभी बना लूँगी मैं। तो बस ये लौकी के लिए मैंने जो है कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है, और फिर बस उसके बाद लौकी को छौंकूँगी मैं। तो बस देखिए मैंने क्या क्या लिया है, कड़ी पत्ता, सभी जानते होंगे फिलहाल लौकी की सब्ज़ी सूखी जो है, वैसे लौकी के कोफ्ते ज़्यादा अच्छे लगते हैं ना वैसे, लेकिन ऐसे ही बना लेते हैं हम लोग, कोफ्ते जब मन करते तो कोफ्ते भी बन जाते हैं। तो मैंने विंडो भी खोल दी क्योंकि मैं छौंकूंगी तो इसलिए मैंने विंडो खोल दी है। मैंने हींग डाला है, जीरा डाला है, और अदरक लहसुन कड़ी पत्ता ये सब डाल दूंगी, और फिर उसके बाद डालूंगी मैं प्याज। इन्हीं चीज़ों से मैं इसको छौंक रही हूँ, नॉर्मल सिंपल सी सब्ज़ी जो बनती है वैसे ही बना रही हूँ। वैसे लौकी 2-3 तरीके से बनाई जाती है, बट हर तरीके से अच्छी लगती है। वैसे काफ़ी लोगों को पसंद भी नहीं है लौकी, काफ़ी लोग नहीं खाते हैं क्योंकि लौकी तुरई ये सब चीज़ें ज़्यादा कम पसंद करते हैं। पहले मैं भी नहीं खाती थी, बट शादी के बाद से मुझे अच्छी लगने लगी, मैं खाने लग गई हूँ लौकी भी, शादी से पहले मैं भी कम खाती थी। तो बस ये जो डब्बा है ना मसाले का, तो इसको मैं ना धुलने के लिए रख रही हूँ, क्योंकि सारे मसाले जो हैं वो खाली हो गए थे, बस खाली जीरा रह गया था, तो ये जीरा मैंने निकाल के एक बर्तन में रख लिया है। ये सारे मसाले ख़त्म हो गए थे, मैंने कहा चलो इसको धो भी दूँ, गंदा सा भी हो गया था वो। तो बस ये प्याज व्याज भी भुन चुकी है, मैंने यहाँ पर डाल दिया है लौकी, तो बस अब ये लौकी जो है चला दिया, उसके बाद यहाँ पर डाल दूँगी टमाटर। तो बस अब ये सब्ज़ी बनती रहेगी, और जब तक सब्ज़ी बनेगी तब तक मैं फटाफट से यहाँ पर मूली के पत्ते भी काट लेती हूँ, क्योंकि ये भी मुझे अभी ये भी छौंकना है। तो बस मूली के पत्ते भी कट रहे हैं यहाँ पर।
फ्रेंड्स देखिए ये मैं लौकी मैं अब डाल देती हूँ यहाँ पे मसाले। तो ये पैकेट में मैंने मसाले रखे हुए हैं क्योंकि अभी डब्बा मैंने धो दिया, वैसे मैं डब्बे में डाल के रख देती हूँ, वो जो डब्बा मैंने धोने के लिए रखा है। तो मैं इसमें डाला है मैंने गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर, ये मैंने डाल दिया है। और धनिया जो है वो मैं साबुत धनिया मंगवा के उसको हल्का सा मतलब भून के और फिर उसको पीस के बड़े डब्बे में रख लेती हूँ, और फिर जो सारे जिसमें मसाले रखते हैं उसमें डाल के रख लेती हूँ। फिर धनिया भी डाल दिया, नमक भी डाल दिया, और वो सब्ज़ी साइड में रख दिया मैंने, वो बनती रहेगी। तब तक मैं यहाँ पे मूली के पत्ते की भी बना लेती हूँ। तो बस मैंने मूली के पत्ते वाली में इसमें तेल डाल दिया, तेल गर्म होने के बाद हींग डाल दी है और हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, इन तीन चीज़ों से ही मैं इसको जो है छोंकती हूँ। और ये एक्चुअली फ्रेश मूली थी इसलिए मूली के पत्ते थे। वैसे इसमें मूली भी डाल लेते हैं काट के, कुछ लोग आलू डाल के भी बना लेते हैं, बट मैं बहुत सिंपल ऐसी ही बना रही हूँ क्योंकि दो दो सब्जियां हैं, लौकी भी है, इसलिए मैंने कहा पत्ते क्योंकि अच्छे भी लगते हैं खाने में और फिर ये वेस्ट भी नहीं जाएंगे, इसलिए भाई इनकी सब्जी बना के खा लो। तो बस इसमें टमाटर डाल दिया मैंने और बस इसको चला लेंगे थोड़ा सा। बस उसके बाद ये देखिए ये आ गई हैं स्माइली मैडम पानी पीने के लिए, और देखिए इसने क्या पहन रखा है, अपने पापा की टी शर्ट। ये पता नहीं कौन सा फैशन है, ये और भव्या दोनों ही अपने अपने पापा की टी शर्ट पहन के खेलने बैठ जाती हैं और पूरे एकदम गाउन जैसी लंबी सी बन जाती है वो टी शर्ट। बस सब्जी में धनिया डाल दिया और बस सब्जी बर्तन में निकाल कर रख लेती हूँ। फिर ये जो मूली के पत्ते थे इसमें मैंने हल्दी, नमक और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया है, और इसको भी बनने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, फटाफट से बन जाता है। और ये देखिए ये दोनों मैडम की मस्ती टी शर्ट पहन के, देखो। क्या देखना है? हेलो फ्रेंड्स, मेरा आनिया है, मेरा आशा मलाई क्लाउड। क्या हो गया? मेरा नाम इस्माइली, बाबा का बाबा शब्द भव्या, मैं भव्या, मैं इस्माइली। दोनों ने बता दिया ना अपना अपना नाम? हाँ, मैं बोलू? हाँ। तो फ्रेंड्स फिलहाल आज का वीडियो मैं अपना यहीं स्टॉप कर रही हूँ। बस सब्जी मेरी दोनों बन गई हैं, आटा वाड़ना है क्योंकि पापा आने वाले होंगे अब, तो बस यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और सबसे मजा आई गया होगा आप लोगों को। तो मिलेंगे अब हम अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए अपना बाय बाय, टेक केयर।